दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी में और आज बात करेंगे रेड इंडियंस के बारे में। हजारों सालों से अमेरिका की ज़मीन पर रहने वाले लाल चमड़ी वाले लोग जिन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है, इन्हें इंडियन, नेटिव अमेरिकन, इंडिजीनियस अमेरिकन, एबोरिजिनल अमेरिकन, एमेरिंडियन और एमेरिन भी कहा जाता है। सन 1492 में जब कोलम्बस ने बहामास आइलैंड पर अपना पैर रखा तो उसे लगा कि उसने ईस्ट इंडीज़ यानी कि ईस्ट एशिया का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। उसने वहां पर पहले से मौजूद लुकायन जाति के इंडियंस को ज़बरदस्ती मजदूर बनाया और फिर हजारों लोगों को स्पेन में गुलामी करने के लिए और बेचने के लिए जहाज़ों में बैठाकर रवाना कर दिया, जिनमें से कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। लगभग 30,000 साल पहले आइस एज के फौरन बाद रेड इंडियंस के पूर्वज सेंट्रल एशिया से नॉर्थ अमेरिका पैदल चलकर आए थे, क्योंकि उस वक्त समंदर की सतह नीची होने की वजह से इन दोनों खंडों को जोड़ने वाला रास्ता समंदर में डूबा नहीं था और वहां सूखी जमीन हुआ करती थी। नेटिव अमेरिकन के पूर्वज को पालियो अमेरिकन कहा जाता है, जो जायंट बाइसन और मेमथ का शिकार करते थे और खानाबदोश जिंदगी गुजारते थे। लगभग 11,500 साल पहले क्लाइमेट गर्म होना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक लगातार गर्म होता रहा। इस वजह से ठंडे इलाकों में होने वाले पौधे गायब होते चले गए और उनकी जगह घास और गर्म इलाकों में होने वाले पेड़ पौधों ने ले ली। मेमथ ये बदलाव सहन नहीं कर सके और लुप्त हो गए और जायंट बाइसन सर्वाइव करने के लिए अपने आकार को छोटा करते गए। ईसा से 500 साल पहले रेड इंडियंस कई कामों में एक्सपर्ट हो गए थे, जैसे मूर्ति बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और कॉर्न की खेती करना वगैरह वगैरह। हालांकि इस वक्त में दुनिया के दूसरे इलाकों में इंसानों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। साइरस द ग्रेट ने इसी समय में अपने तीन पड़ोसी राज्य मीडिया, लीडिया और बेबीलोन, हालांकि बेबीलोन का नाम आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, इन तीनों राज्यों को हरा कर साइरस ने दुनिया का पहला सुपर पावर बनाया, जिसे पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि रेड इंडियंस दुनिया से काफ़ी पीछे थे और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपने साम्राज्य को फैला चुके स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने 16वीं सदी से 19वीं सदी तक नॉर्थ अमेरिका में आतंक मचा दिया, क्योंकि इन सबको अमेरिका पर राज करना था। उधर साउथ अमेरिका में डच, पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने इनका सभ्यता को बर्बाद कर दिया। इन यूरोपियंस के पास आधुनिक बंदूकें और हथियार हुआ करते थे और रेड इंडियंस के पास होते थे तीर कमान, तो आप समझ ही सकते हो मुकाबले में क्या हुआ होगा। और तो और स्पेनिश अपने जहाज़ों में स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हबशी गुलामों को लेकर एस्टेक समुदाय के रेड इंडियंस के पास गए और उसकी वजह से लगभग 3 लाख एस्टेक लोगों की स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने इस बीमारी का कभी सामना ही नहीं किया था। 1880 में जब यूरोपियंस और अमेरिकन्स कंपनी को रबर की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने अमेजोन में रहने वाले रेड इंडियंस को ज़बरदस्ती रबर निकालने के लिए मजदूरी करवाई। इससे बचने के लिए बहुत सारे रेड इंडियंस और गहरे जंगलों में भाग गए और वहीं रहने लगे। 4 जुलाई 1776 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया तो उसमें उन्होंने रेड इंडियंस के लिए दरिंदा और वहशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 19वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा ने रेड इंडियंस से वोट करने का अधिकार छीन लिया और उन्हें रिजर्वेशन कहलाने वाले लिमिटेड एरियाज में रहने के लिए मजबूर कर दिया, और इन रिजर्वेशंस में भी उन्हें अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से रोका जाता और उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता। बाद में सन 1957 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ और ये दबाव लगभग ख़त्म हो गया। सन 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट पास हुआ, जिससे उन्हें वोट करने का अधिकार भी मिला। तो आप जान गए हैं कि रेड इंडियंस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन यूरोपियंस ने जो रेड इंडियंस के साथ किया उसके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहे। और आप में से जो लोग रेड इंडियंस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कर और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।